एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव। जी हाँ, जब आप बिलीव करते हैं तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। और इसी बात को सच करने के लिए एक अमेजिंग सी जोसेफ मर्फी की स्टोरी लेके आई हूँ आपके सामने, ताकि आपको हेल्प मिले बेटर मैनिफेस्टर बनने में, ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने लव्ड वंस के लिए भी। हेलो एंड वेलकम, मैं रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन के माध्यम से आपकी हेल्प करती हूँ आपके ड्रीम्स और डिजायर तक जल्द पहुँचने में। तो अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जोसेफ मर्फी स्टोरी सुनाते हैं कि उनके लेक्चर में एक लेडी आई और वो बहुत लड़की रो रही थी। वो बोली जोसेफ मर्फी से कि उसके बॉयफ्रेंड की दुकान थी वो चल नहीं रही है, और दुकान के लॉस के कारण आज हालत ये हो गई है कि उसके घर और गाड़ी भी बिकने के कगार पे आ गई है। उसके दिख नहीं रहा है कि कुछ भी ठीक हो सकता है, और वो रोना शुरू कर दी। रोते रोते बोली कि मुझे नहीं लगता ये कभी भी ठीक हो पाएगा, उसकी हालत इतनी ख़राब है कि कोई हेल्प नहीं मिल पाई। जोसेफ मर्फी ने कहा कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम ये सब क्यों बोल रही हो, और ऐसा बोल के तुम क्या कर रही हो? तभी उस लड़की ने बोला कि मैं तो वही बोल रही हूँ जो सच है, आई एम टेलिंग यू एज इट इज नाउ। तो जैसे ही उसने ऐसा बोला, उसे ये रियलाइज हुआ कि जैसा है वैसा बोलते बोलते वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही इंडिकेशन दे रही है जो उसको नहीं चाहिए। जोसेफ मर्फी ने उसे समझाया कि अगर तुम वही बोलती रहोगी जो तुम्हें नहीं चाहिए, तो वो कैसे पाओगी जो तुम्हें चाहिए? तो अपने शब्दों को बदलो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को नई प्रोग्रामिंग दो, ताकि तुम वो पा सको जो तुम्हें पाना है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रात को इस बार डिसाइड की कि मैं कुछ अलग करूँगी। पूरे दिन हो रहे एविडेंस को इग्नोर करते हुए वो रात को सोने गई, अपने आप को स्थिर किया, क्योंकि जब आप शांत होते हो, जब आपकी बॉडी शांत होती है, तब वो एक परफेक्ट स्पेस से मैनिफेस्ट कर पाती है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एक रिलैक्स्ड स्टेट में रहें, इसके लिए ताकि आपकी ब्रेन जो है अल्फा वेवलेंथ प्रोड्यूस करना शुरू करे। तो बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में वो गई और अपने बॉयफ्रेंड का एंड रिजल्ट देखा इस तरीके से कि सब कुछ रिजॉल्व्ड हो गया। जब एंड रिजल्ट उसने विजुलाइज कर लिया, उसके बाद अपने आप को बिलीव दिलाने लगी कि कोई एक बहुत अच्छी रिलीफ मिलने वाली है, उन लोगों को कुछ है जो सॉल्व हो जाएगा। इस चीज़ का यकीन दिलाते दिलाते वो सो गई। याद रख लीजिए, जब आप बिलीव करते हैं तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। ठीक उसने वही किया, रात को सोने से पहले बोला कि कुछ एक सोल्यूशन आने वाला है, कुछ सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा मेरे बॉयफ्रेंड को, और सो गई। दूसरे दिन बॉयफ्रेंड जब दोपहर के करीब उससे मिलने आया तो बहुत खुश था। उसने बोला, सुबह बहुत अजीब सी चीज़ हुई, मैं जैसे ही सो के उठा मेरे दरवाजे पे मेरा पुराना दोस्त आ गया था और मुझे 2000 रुपये दिए जो उसने मुझसे 10 साल पहले उधार लिए थे। बस यहीं अनफोल्डिंग फिनिश नहीं हुई, जब मैं दुकान पे पहुंचा तो मेरे बिजली विभाग के लोग आए थे। उन्होंने पिछले 4-6 महीने से मेरे बिजली की गलत मीटर रीडिंग कर रखी है, जिसके कारण हमने एक्स्ट्रा बिल पे किए हैं, और वो लोग अब बोल रहे हैं कि कुछ महीनों तक मुझे बिजली बिल नहीं भरनी है, यहाँ तक कि मेरे बिजली बिल अब का कुछ क्रेडिट जमा हो गया है। इस चीज़ को सुनने के बाद उस लड़की को रियलाइज़ हुआ कि जब आप जो हो रहा है उसको बार बार रिपीट करते हो, तो जो चाहिए वो क्रिएट नहीं कर पाते हो। उसके बाद से उसने ये गलती कभी नहीं दोहराई, वो हमेशा वही बोलती थी जो उसे चाहिए। एज इट इज़ एक्सप्लेन करने के चक्कर में हम कई बार अपने मैनिफेस्टेशन को दूर कर देते हैं, और रात को सोने से पहले बिलीव क्रिएट करना पड़ता है। भले हमें बिलीव नहीं हो कि ये सॉल्वेबल है, लेकिन उस डिवाइन इंटेलिजेंस पे बिलीव करना होता है, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ पॉसिबल है। और हम कई बार अपने लव्ड वंस की परेशानियों को देख के यही गलती कर बैठते हैं, हमें लगता है इसका कोई सलूशन नहीं है और परेशान हो जाते हैं। जबकि वैसे लोग जो इंटेंशन देते हैं अपने लव्ड वंस के सक्सेस का, वो रियल सर्विस कर रहे होते हैं। किसी को बेस्ट गिफ्ट देना है ना, तो अपना एक्सपेक्टेशन दीजिए उनकी सक्सेस को लेके, और देखिए उनको जीतते हुए। होपफुली ये इंस्पायरिंग वीडियो आपकी हेल्प करे, और अगर मज़ा आया ये वीडियो सुन के तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और कमेंट करके बताइए आपने कब अपने एक्सपेक्टेशंस को अपने लव्ड वंस की हेल्प करने के लिए लगाया।
और देखिए उनकी लाइफ में मैजिक होते हैं, क्योंकि आप जितनी बार लिखोगे अपने एक्सपेक्टेशन को, अपने लव्ड वंस के सक्सेस को लेके, आप उतनी एनर्जी सेंड कर रहे हो उनकी तरफ। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।